अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इंसानों के डॉक्टर्स होते हैं और जानवरों के भी। अगर सब्जियों फलों के भी डॉक्टर्स होते तो शायद लंगड़ा आम आज अपने पैरों पे चल रहा होता। पाकिस्तानी बहुत सियानी कौम है। हुकूमत जिस इलाके में लॉकडाउन करती है वहाँ के लोग अपने बीवी बच्चे लेकर नानी घर पहुँच जाते हैं। कोरोना का ये तो फायदा हुआ कि कौम को पता चला कि कुव्वत मुदाफियत भी कोई चीज होती है, वरना ये कौम तो मर्दाना कुव्वत के अलावा कुछ जानती ही नहीं थी। कोरोना का रोते हुए बयान, सख्त लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन, नरम लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, हफ्ता इतवार बंद, बाकी दिन खुले, पाकिस्तानियों ने तो मुझे पागल ही कर दिया है। एक औरत अपने शोहर के जनाजे में रो रही थी और साथ कहती जा रही थी, सरताज क्यों मुझे तन्हा छोड़कर इस दुनिया से चले गए, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। एक शख्स जो जनाजे में शरीक था ये सुनकर बहुत उदास हो गया और अपने दोस्त से कहने लगा, काश इस औरत का मुझे कुछ अता पता होता तो मैं इसके पास शादी का इनविटेशन लेकर जाता, शायद इसका गम इस तरह कुछ कम हो जाता। औरत ने ये बात सुन ली और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, सरताज क्यों तुम मुझे गली नंबर 6 मकान नंबर 40 एवान टाउन ब्लॉक बी में तन्हा छोड़कर चले गए। बस में एक लड़की खड़ी थी, एक बच्चे ने इसे मासूमियत से कहा, आप मेरी जगह पर बैठ जाएं। लड़की ने बच्चे की तरफ गजबनाक आंखों से देखा और एक थप्पड़ इसके चेहरे पर जड़ दिया। बच्चे ने रोते हुए कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं, और फिर वापस अपने वालिद की गोद में बैठ गया।